आपको? हाँ सर, अभी जब 18 महीने हो, 18 महीने हो गए, अच्छा लगने लगा। जी जी बहुत हम तो बहुत अच्छा लगने लगा, तभी तो आपने कार ली। जी 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 चलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा, पूरा नाम क्या लिखते हैं? राजेश कुमार। राजेश जी, राजेश भाई सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम को, सभी को बहुत बहुत बधाई। आपने एक एग्जांपल क्रिएट किया अपनी टीम के ऊपर भरोसा, कि आप ये गाड़ी ले सकते हैं तो आप सब भी ले सकते हैं, आप सब भी ले सकते हैं। 18 महीने का मात्र सफर आप इसमें आए, ना कि आप पैसे कमा रहे हैं, ना कि आप गाड़ी ले रहे हैं, इतने भाइयों का प्यार, इतना सम्मान। देखिए इस शोरूम से रोज गाड़ियां बिकती होंगी। जी जी हेलो, आया ना? यस। थोड़ा की गाड़ी लेने में कोई खुशी मनाता है? नो। ये इकलौते वेस्टीज है ना कि आपकी गाड़ी का सेलिब्रेशन करने ये अचीवमेंट है आपकी, ये पावर है आपका। चेक 1 लाख का या 10 लाख का डजंट मैटर, वेस्टीज में अगर आप गए हो, आपकी अगर किस्मत भी खराब है और 3 साल तक इस माहौल में रह जाओ, तो 2-4 लाख के छुट्टे मुट्टे ऐसे गिरने वाले हैं आपके पास। है या नहीं? Yes. तो आप इस बिजनेस में जब भी काम करो, पैसा आपके लिए जरूरी है, पैसा इसका बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट है। इसके पीछे एक खास कारण है कि आप ग्रोथ सिस्टम का एक पार्ट है। Yes. वेस्टीज को जो रिप्रेजेंट करता है नंबर वन होना, और वेस्टीज नंबर वन है, हमें नंबर वन होना है अपनी फैमिली का, अपने बिजनेस का, अपनी टीम का। ये कब होगा? जब आप एथिकली काम करेंगे। एथिकली मतलब लोगों को एजुकेट कीजिए, ना कि मोटिवेट कीजिए। जब आप सिखाएंगे लोगों को तो दर्द होगा, लेकिन अगर वो सीख गया तो 7 जन्म आप अकेले को याद करेगा, 7 जन्म आपको अकेले को याद करेगा। अगर आप उसे मोटिवेट करेंगे तो जब जब आप उसके साथ खड़े होंगे तब तो बिजनेस करेगा, जब आप मोटिवेट नहीं कर पाएंगे तो आदमी खत्म हो जाएगा। मोटिवेशन मतलब जस्ट लाइक जब उबलता है दूध तो नीचे गैस जलती है, उबाल मारता है, दूध उबलता रहता है, लेकिन जब गैस बंद होती है तो क्या होता है? दूध का हाल वो खत्म हो जाता है, नीचे नहीं होता, समाप्त हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, है ना? लेकिन आज ये जो ताकत है अपनी पूरी टीम की, मोइन एंड कंपनी, सिद्धार्थ जी एंड कंपनी, आप राजेश एंड कंपनी, इसकी हमारी आपकी ताकत क्या है? यहाँ लालच किसी को नहीं दिया जाता, नंबर वन। नंबर टू, कोई स्कीम नहीं चलाई जाती कि तुम्हारे लिए ये कर देंगे। नंबर थ्री, आपको सिखाया जाता है कि 2 साल का टाइम दो, हम आपको इतना बड़ा ब्रिज बनाएंगे कि तुम अपना पेड़ तो पालोगे ही पालोगे, अपने लिए खाद पानी खुद ही इकट्ठा कर लोगे और दूसरों का पेट भी भरोगे फल दे करके। ये ताकत है आपके सिस्टम में। राजेश भाई मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं, आज आप पहली बार हम मिल रहे हैं, आप जानते जरूर होंगे, बहुत सारे भाई बंधु खड़े हैं आप ही की तरह। 6.25 साल पहले हम भी वेस्टीज में आए और भी बहुत सारे लोग आए। 18 महीने के इस सफर में आप जहाँ पहुंचे, आप चलते जाइए, अब तो आपकी जर्नी शुरू होगी, क्योंकि अब जिम्मेदारियों के लिए कंधा मजबूत आपको करना है। अभी तक तो आपने अपने लिए काम किया है ना, अब आप काम करेंगे टीम के लिए। जब 1 साल मुझे इस बिजनेस में हुआ था तो मेरा चेक 93,000 पहुंचा था, तब मैंने बहुत खुशी मनाई थी कि चलो मैं अपने बच्चे पाल लूंगा, उन्हें पढ़ा लूंगा, लिखा लूंगा। लेकिन जब आप जैसे भाइयों से मिलता था तो मेरा एक बिलीव होता था कि अगर एक जिंदगी भी मैं अपने जीवन में बदल पाया तो मुझे लगेगा कि वेस्टीज शायद ऊपर वाले ने मुझे क्यों समझने का मौका दिया। सबका तो नहीं समझ में आ रहा, इतने सारे लोग ये रोड पे भागे जा रहे हैं, मजबूर है, परेशान है, आप इन्हें समझाते हो फिर भी नहीं समझते। आपको क्या लगता है आपके समझाने से नहीं समझते लोग? इनके पुराने पापों का फल अभी पूरा नहीं हुआ है, तभी इनको 8 बजे से लेके 8 बजे तक नौकरी करनी पड़ रही है। जिस दिन इनका हिसाब किताब माइनस प्लस बराबर हो जाएगा, किस आदमी को नहीं चाहिए यार मंडे टू फ्राइडे अपनी बिटिया को टाइम दे सके? आपको चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल। Yes! आज ये फुल टाइम अपने बच्चे के पापा हैं। बिल्कुल। दिल्ली में पढ़ा लिखा आदमी संडे संडे का पापा है। सोचिए ना, आप ये बात बोलिए, बताइए, समझ जाइए, कौन आदमी नहीं चाहता अपने बच्चों के साथ अच्छी छुट्टियां बिता सके हो? Yes, sir. आप भी चाहते हो? Yes, sir. सब चाहते हो, जो भगा जा रहा है वो भी चाहता है, लेकिन क्योंकि उसने नई दिशा नहीं पकड़ी इसलिए दशा नहीं बदली। जब मैं LIC का काम करता था, आप ही की तरह नौकरी करता था, यही दुर्दशा थी, लेकिन एक बार मेरी लाइफ में भी वेस्टीज आया हम सब की तरह, और मैंने फैसला किया 3 साल वो काम करूंगा जो लोग सफल काम करते हैं। सफल लोग क्या करते हैं? नंबर 1 मुस्कुराते हैं, नंबर 2 विश्वास करते हैं, हर चीज में शक नहीं करते। जो कमजोर सोच का आदमी होता है, हर आज ये कार ले रहे हैं, कार सामने खड़ी है, उसको इसमें बिठा दो फिर भी शक करेगा, शक वो फिर भी करेगा, क्योंकि जो लोग बड़ी सपने नहीं बनाते वो हमेशा शक की होते हैं। ठीक है, आप शक करिए लेकिन अपने ऊपर विश्वास भी करिए कि आप एक एनर्जेटिक इंसान हैं,
आपकी ऑरा, आपकी ऊर्जा बिल्कुल अलग है। आप धरती पर आए अपने परिवार, अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए। और इस बिजनेस में दुख दर्द का टाइम है मात्र 3 साल। अभी भाई को महीने कितने हुए? 18 महीने। और 3 साल में कितने महीने होते हैं? 36। 18 महीने पहले सर कौन सी कार थी आपके पास? पुरानी थी, नई थी? पुरानी हो चुकी थी, 9 साल चला मैंने। 9 साल आज लिख लो, संतोष यादव कह रहा है ये 24 महीने से ज्यादा गाड़ी नहीं चलेगी, और इससे 3 गुना कीमत की गाड़ी आपके कंट्रोल में। आज के ये पावर, और ये पावर इनके लिए है तो आपके लिए भी है। यस, बस आपको ये बोलना है अगली कार मेरी है। यस यस, ये शोरूम वाले खुश होंगे, अच्छा ग्राहक आया है। इतने सारे लेके आया है, देखो पढ़े लिखे बेचारे लोग एमबीए फेमबीए करे, लाल टाई लगाए, चाय पिला करे भाई कॉफी दुआ। इनको भी समझाना है, हमारा इन्हीं का मतलब नहीं है, हमारा मिशन क्या है? गरीबी दूर करना, ठीक है सर? लेकिन सबकी नहीं होगी, ये मत सोचना कि सबकी होगी, नहीं होगी। जिनकी सोच होगी, जो अपने बच्चों से प्यार करता है, अपने समाज से, अपने माँ बाप से, अपने देश से, वो कुछ नया तलाशेगा। और हम सब की तलाश हो गई वेस्टीज में आगे पूरी। हाँ जी, वेस्टीज में मिल गई सिद्धार्थ जी की लीडरशिप। अब सीखने का काम हमारा, जिसके पास मोटरसाइकिल है चिंता ना करो, कि ज्यादा से ज्यादा आपको 3 साल मोटरसाइकिल पे चलना पड़ेगा। कितने साल? 3 साल। कितने साल गर्मी लगेगी? 3 साल। कितने साल सर्दी लगेगी? 3 साल। लेकिन कब? जब आप केवल अपनी सुनोगे तब। अगर आपने पड़ोसी की सुनी, मामा फूफा की सुनी, ये आपको कभी तरक्की नहीं करने देगा। दुनिया में सबसे खतरनाक दुश्मन हमारे घर में पाए जाते हमारे चित परचित के रूप में। पहले सबसे रोक कौन लगाएगा? पति कर रहा है तो पत्नी, और पत्नी कर रही है तो पति। यार सच बोल रहा हूँ, सामने ही बोलूंगा, पीछे क्यों बोलूंगा? अगर हमारा ये बिटिया, तो अब तो खैर वेस्टीजियन की बच्ची हो गई है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट खड़े हैं, ठीक है, अगर ये जाके बच्चा अपने पापा से बोले, पापा आपका लाल आपका नाम रोशन करेगा, मैंने वेस्टीज का बिजनेस देख लिया है, इतनी मेहनत करूंगा कि आपके लिए गाड़ी अलग लाऊंगा, अपने लिए अलग लाऊंगा, अगले 5 साल में मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, हेलो सर, पिताजी क्या बोलेंगे? मेरा बेटा अच्छा है? बोलेंगे इसका दिमाग किसने खराब कर दिया, इसमें भूत प्रेत करा दिया। क्यों जी? आया ना? यस। जबकि बच्चे को हर माँ बाप चाहते हैं बच्चा तरक्की करे, जब वो तरक्की की बात करता है उसे रोका जाता है। हेलो सर, आया ना? यस। और वही बच्चा जब कहे मैं अच्छे से पढ़ूंगा, खूब नंबर लाऊंगा और बढ़िया सी नौकरी करूंगा पापा, तो उसका प्रसाद चढ़वाते 50,000 की नौकरी के लिए प्रसाद, और जब वो कह रहा मैं 4 लाख कमाऊंगा तो भूत प्रेत। वाह भाई वाह, ये हमारा कल्चर है, खासकर मिडिल और लोअर, जो हम यूपी बिहार या कहीं से भी हैं, हमारे माँ बाप को भरोसा ही नहीं होता कि हमारे बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा है जो अच्छा पढ़ेगा, अच्छा नंबर लाएगा, वही तरक्की करेगा। सही बात है, बच्चे अच्छा नंबर लाना है, मम्मी की तरफ देखो। लेकिन अच्छे जीवन को समझने के लिए, नंबर का संबंध कमाई से नहीं है। दुनिया में जितने लोग रईस हैं बहुत बड़े हैं, वो नंबरों से नहीं बने, वो जुनून से बने, जिगर से बने। आपका सपना है कि आपको भी WBR भी मिले। 3 काम आज से करना, किसी के मत सुनना, अपना सुनना। पहला काम, आज के बाद वेस्टीज का प्रोडक्ट आपको खाना है। नंबर 2, जो मिले उसे बताना है और उसको बोलना है तेरी हिम्मत है तो ना करके चला जा, मैं तो सुनने ही बैठा हूँ ना। और आपको 100 लोगों की ना सुननी है। कितने लोगों की? 100। कितने? 100। पहले से माइंड सेट कर लो कि 100 लोगों की ना सुननी है। मैंने इनको समझाया बढ़िया से, और उन्होंने कहा भाई मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मैं तो नहीं करूंगा। आप बोलना यस, 1 कम हुआ 1 लाख कमाने में। जिस दिन 100 लोगों की ना सुन लोगे, संतोष यादव बोल के जा रहा है, 1 लाख का चेक आपका होगा। आसान काम है, मुश्किल है? ना तो सारे ही बोल रहे हैं, कोई हाँ कर ही नहीं रहा। हाँ जी, जिसको समझाओ ना, पूरा बैठाना, बोले 1 घंटा समझाऊंगा, 1 घंटे बाद तुझे पूरी छूट है ना बोलने की। जब ना बोले तब बोलना यस, 1 कम हुआ। सर ने बोला था 100 के 100 ना कर देंगे तो 1 लाख का चेक होगा, उन्होंने 1 कर दिया, 99 बचे। हाँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, कोई 100 आदमी ना सुन के मेरे पास आ जाना, 1 लाख का चेक मैं काट दूंगा। अरे यार, वो तो चीज के लिए ना करेगा, क्यों? पैसे ले रहे हो? नो। उससे लाख पैसे मंगवा रहे हो क्या, लगवा रहे हो क्या? नहीं। नो। सही एजुकेशन दीजिए, सही सिस्टम दीजिए, जिंदगी में आपको वो मिलने वाला है आने वाले 3 साल में जो आपको चाहिए।
आपको और आपके पूरे परिवार को कार की बहुत बधाई, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आप सभी आगे बढ़े, तरक्की करें, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी तरक्की करते जाए। मैं अभी सेमिनार करके आ रहा हूँ और आपके प्यार में मैं यहाँ तक आया हूँ और आज आपसे मिला हूँ, आपको पार्टी में अपनी तरफ से दूंगा। एक दिन सबके साथ आइएगा, केशव जी के साथ। शुक्रिया।